नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, हम में से कई ऐसे लोग रहेंगे जिनके मन में बचपन से एक भावना है कि हम अपने बर्थडे को अपने देश के तिरंगे के कलर का केक नहीं बनाएंगे, वैसा केक बना के खाएंगे भी नहीं। लेकिन उसी को चैलेंज करता हुआ मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रखा है। मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि ट्राई कलर का मतलब तिरंगे के कलर का आप केक बना सकते हो, उसको काटा आपने या फिर आपने उस केक को खाया तो भी वो गुनाह नहीं माना जाएगा सेक्शन 2 के तहत। अब ये सेक्शन 2 क्या है, साथ ही साथ मद्रास हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए कौन से लॉजिकल मुद्दे सामने रखे हैं, और साथ ही साथ ये केस एग्जैक्टली क्या था, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो आइए करते हैं हम इस बारे में डिटेल में बातचीत। तो सबसे पहले ये केस हुआ था 25 दिसंबर 2013 को। 25 दिसंबर 2013 को क्रिसमस फेस्टिवल आयोजित किया गया था। ये एक पब्लिक फंक्शन था और यहाँ पे 6 फीट लंबा केक बनाया गया था। ये जो केक था, ये केक का जो आइसिंग था, ये आइसिंग जो था वो अपने देश का जो ट्राई कलर है, तिरंगा है, उसके हिसाब से बनाया गया था। भारत का जो मैप है वो आउटलाइन थी ये केक की, और साथ ही साथ ये केक के ऊपर अशोक चक्र का भी आइसिंग लगाया गया था, जो सेंटर में था, अशोक चक्र सेंटर में था। लोगों ने ये केक काटा, ये केक आपस में बांटा और सब ने खा भी लिया था। यहाँ पे लगभग 2500 लोग आए हुए थे, उसमें से 1000 छोटे बच्चे भी थे ये फंक्शन को। और साथ ही साथ ये फंक्शन जो था वो अटेंड किया गया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ कोयम्बतूर, DCP, और साथ ही साथ बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स और बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स मौजूद थे। ये सब ने ये केक काटा, खाया और क्रिसमस एंजॉय किया था। तो इसके बाद शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट दाखिल करी। शिकायतकर्ता का ऐसा मानना था कि भारत का जो नेशनल फ्लैग है, अपना जो झंडा है, उसका केक बनाया गया था और केक को काटा गया था, टुकड़ों में उसको काटा गया था, फ्लैग के टुकड़े किए गए थे, तो इसी के कारण ये गुनाह हो जाता है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के सेक्शन 2 के तहत। सेक्शन 2 के तहत अगर आपके ऊपर गुनाह दाखिल होता है और वो गुनाह सिद्ध भी हो जाता है तो आपको 3 साल की लगभग जेल हो सकती है और आपको फाइन भी लग सकती है। तो ऐसा एक केस दाखिल किया गया था। ये केस जब मद्रास हाईकोर्ट में पहुंचा तो मद्रास हाईकोर्ट ने इसको गुनाह मानने से इनकार किया। अब मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों बोला, आइए करते हैं हम उस बारे में बातचीत। तो मद्रास हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए इंपॉर्टेंट मुद्दे सामने रखे। मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि लोकशाही में राष्ट्रीयत्व बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, लेकिन आप उसका अतिरेक ना करें। आप अगर अतिरेक करोगे तो देश का जो प्रॉस्पेरिटी है उसको ठेस पहुंच सकती है। ये बात कोर्ट ने बोली है, क्योंकि हमारी जो परंपराएं चलती आ रही है देशभक्ति की, ये परंपरा के चलते कोर्ट ने ऐसा बोला कि जो देश प्रेम होता है वो देश प्रेम ऐसा नहीं होता है कि जो आदमी सिर्फ फ्लैग लहराता है, मतलब अपने देश का झंडा लहराने वाला आदमी ही देश प्रेम करता है, या फिर जो आदमी अपने देश के प्राइड को सिंबलाइज करता है मतलब अलग अलग बैजेस लगाएगा या फिर अलग अलग कागज के झंडे लहराएगा, ऐसे लोग होते हैं वो होते हैं, या फिर जो कोई अपने कपड़े के स्लीव पे भी बैजेस लगाते हैं या फिर वैसे कलर के कपड़े पहनते वही होते हैं, वो देशभक्त नहीं होते। कोर्ट ने ऐसा बोला, देशभक्त वो लोग भी होते हैं जो अच्छे शासन के लिए लड़ाई करते, वो लोग भी देशभक्त होते। ये बात कोर्ट ने बोली है, अच्छे शासन के लिए लड़ने वाले लोग भी देशभक्त होते हैं। ये बात कोर्ट ने बोली है, आप समृद्धि जो है देश की उसको ठेस ना पहुंचाओ, ये बात कोर्ट ने बोली है। कोर्ट ने आगे ऐसा बोला है कि आप नेशनल प्राइड को सिंबलाइज करते हो, ये पैट्रियटिज्म मतलब ये देशभक्ति मानी गई है, तो जैसे ही केक भी आपने अगर काटा और केक को आपने खाया भी तिरंगे के कलर का, तो ये देशभक्ति के खिलाफ नहीं है, ये अनपैट्रियोटिक नहीं है, कोर्ट ने ऐसा बोला। कोर्ट ने रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक कोर्ट का हवाला दिया, उन्होंने ऐसा बोला कि देश प्रेम जो होता है वो सिर्फ अपना फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर नहीं होता है, अपने को सिर्फ देश प्रेम से ही आपका स्पिरिचुअल शेल्टर नहीं है, तो आपको ध्यान देना चाहिए ह्यूमैनिटी पे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ऐसा बोला था, ह्यूमैनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ऐसा बोला था कि मैं हीरे देख के शीशे नहीं खरीदने वाला, ये बात भी बोली थी। मतलब ह्यूमैनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मुद्दा भी कोर्ट ने रखा है। सिर्फ आप देशभक्ति क्या अगर आप बात करें हो तो देशभक्ति जो होती है इसमें ये नहीं होता है कि सिर्फ झंडे लहराना और आप सिंबलाइज करना अपने देश प्रेम को, ऐसी बातें नहीं होती है। तो आपको ह्यूमैनिटी के लिए भी लड़ना पड़ता है, ये बात भी कोर्ट ने बोली है। कोर्ट ने इसमें और इम्पोर्टेंट मुद्दा रखा है जिसमें कोर्ट ने बोला है, लीगल मुद्दा देखते हैं कि कोर्ट ने ऐसा बोला है कि पैट्रियोटिज्म देशभक्ति जो होती है ये कुछ ग्रॉस फिजिकल एक्ट से डिफाइन नहीं होती, आप क्या काम करते हो उससे डिफाइन नहीं होती है। मतलब इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कोर्ट ने ऐसा बोला कि जब आपका इंटेंशन अगर अच्छा है इसका मतलब है कि आप देशभक्त नहीं हो, ऐसा नहीं माना जाएगा। आपका इंटेंशन अच्छा है तो आप अच्छे हो। यहाँ पे कोर्ट ने ऐसा बोला कि ये जो केस हुई थी यहाँ पे जब लोगों ने केक काटा गया था तो क्या लोगों के मन में एक्चुअल फीलिंग क्या थी उसके ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा। मतलब जैसे ही लोग घर निकल गए तो क्या सब लोग एकदम ग्रेट प्राइड फील कर रहे थे अपने देश के लिए, उनको गर्व महसूस हो रहा था केक काटने के बाद, या फिर क्या उनका गर्व जो है वो नीचे झुक गया था। जैसे लोग अपने घर जाने लग गए थे तो जाते हुए ऐसा केक उन्होंने खाया, तिरंगे के कलर का उन्होंने केक खाया तो उनको देश के ऊपर फक्र फील हुआ, गर्व फील हुआ, या फिर उनको मन में उनको ऐसा फील हुआ कि अरे मेरे देश का मैंने प्राइड जो है उसको मैंने ठेस पहुंचाई, ऐसा लोगों को लगा क्या? तो ये बात कोर्ट ने पूछी है। तो कोर्ट ने बाद में एंड में बोला ऑब्वियसली लोगों को प्राइड फील हुआ रहेगा कि उन्होंने देश का बनाया हुआ केक खाया है। तो इसलिए कोर्ट ने ऐसा बोला आपको इंटेंशन देखना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने और एक हाइपोथेटिकल केस दिया है जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट डे हो या फिर रिपब्लिक डे को हम सब इकट्ठा हो जाते हैं, हमारे स्वतंत्रता दिन को हम जब इकट्ठा हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, कागज के बनाए हुए फ्लैग्स होते हैं वो लहराते हैं, और वो जो फ्लैग्स होते हैं बहुत सारे लोग होते वो फ्लैग्स लहराते रहते, और जैसे ही आप वो एरिया छोड़ के जाते हो जहाँ पे आप फ्लैग लहराते हो तब आप क्या करते हो, वो जो कागज के बने हुए फ्लैग होते हैं वो आप क्या करते हो हमेशा के लिए आपके पास नहीं रखते हो, आप उसको वेस्ट पेपर करके आप उसको वहीं पे छोड़ के निकल जाते हो। क्या फिर ये एक गुनाह भी माना जाना चाहिए क्या? कोर्ट ने ये सवाल पूछा है। तो एकदम इम्पोर्टेंट सटीक मुद्दा कोर्ट ने सामने रखा है, क्योंकि हम देखते हैं कि रिपब्लिक डे हो या फिर इंडिपेंडेंट डे हो छोटे बच्चे होते हैं वो कागज के फ्लैग लहराते रहते हैं और इधर उधर रख के वो निकल जाते रहते हैं, तो क्या ये भी एक गुनाह माना जाना चाहिए क्या सेक्शन 2 के तहत? तो ऑब्वियस कोर्ट ने ऐसा बोला कि आंसर इसमें नेगेटिव आएगा क्योंकि इसको हम गुनाह नहीं मानते हैं। अगर लोगों को इसका अगर आप इसको इंसल्ट मानोगे तो बहुत सारे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। आप नेशनल फ्लैग को आप अगर हैंडल करते हो तो आप हमेशा डरते हुए रहोगे, आपके हाथ में अगर कागज का फ्लैग है और आपको बोला गया कि आपने इसको अच्छे से आपने कहीं भी रख दिया तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे, ये बात भी कोर्ट ने बोली है। साथ ही साथ कोर्ट ने ऐसा बोला है कि ये जो नेशनल फ्लैग होता है ये सिंबल है अपने नेशनल प्राइड का, और एक बार आपके मन में वो फीलिंग क्रिएट करता है वो फ्लैग उसके बाद वो फ्लैग का कुछ काम नहीं रहता। जैसे आप कागज का फ्लैग हाथ में पकड़ते हो तो आपके मन में देश के लिए प्रेम आ जाता है, और वो प्रेम एक बार आपके मन में अगर ये फ्लैग ने भर दिया तो उसके बाद वो फ्लैग का कुछ काम नहीं रहता, ऐसा कोर्ट ने बोला है। तो इसी के कारण नेशनल फ्लैग का जो इम्पोर्टेंट पर्पज होता है वो अचीव हो जाता है, जैसे आप फ्लैग लहराते हो तो आपके मन में वो फीलिंग आ जाती है, ये बात भी कोर्ट ने बोली है। तो आगे कोर्ट ने ऐसा बोला है कि फ्लैग कोड जो होता है ना ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है, एक फ्लैग कोड भी होता है, जैसे आपके जो कागज के बने हुए झंडे होते हैं उसके लिए वो कैसे डिस्ट्रॉय करने के उसको कैसे आप फिनिश कर सकते हो उसके लिए एक मैकेनिज्म दिया गया है, आप प्राइवेट में कैसे उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप अपने देश का जो झंडा है उसके आप डिग्निटी कैसे मेंटेन कर सकते हो, ये दिया गया है अपने गवर्नमेंट ने दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रोसीजर ही मालूम नहीं है इसलिए लोग कहीं भी छोड़ के निकल जाते हैं। तो हर किसी के ऊपर हम सेक्शन 2 का केस नहीं लगा सकते, ये बात भी कोर्ट ने बोली है। तो कोर्ट ने ऐसा बोला है कि ये जो केस दाखिल हुआ तो ये हमें लग रहा है पब्लिसिटी के लिए दाखिल हुआ है, तो इसके कारण हम ये केस एक्सेप्ट नहीं करते, सेक्शन 2 का केस हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो कोर्ट ने इम्पोर्टेंट मुद्दे कौन से रखे? कोर्ट ने इम्पोर्टेंट मुद्दा रखा है कि आपने इंटेंशन देखना चाहिए था। आप अगर केक काटते हुए अगर केक काटने के बाद अगर आपको गर्व फील होता है देश के लिए तो बात अलग है, आप सिर्फ देश
जो फ्लैग है उसका इंसल्ट करने के लिए केक काटे रहते तो बात अलग है, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। साथ ही साथ कोर्ट ने दूसरा मुद्दा रखा है कि आप रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंट डे को कागज के झंडे आप लहराते हो, वो झंडे भी है आपके मन में फीलिंग आने के लिए आप वो झंडे लहराते रहते हो। एक बार आपके मन में देश प्रेम की फीलिंग आ गई है, उस दिन का वो माहौल बन गया, आपके मन में प्रेम आ गया देश के लिए, तो वो फ्लैग का कुछ काम रहता नहीं है, ऐसा कोर्ट का मानना है। साथ ही साथ फ्लैग डिस्ट्रॉय करने की एक प्रोसीजर दी गई है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कागज़ के फ्लैग डिस्ट्रॉय करने की प्रोसीजर, इसी के कारण तकलीफ होती है। और अगर हमने हर किसी के ऊपर सेक्शन 2 लगाते गए तो लोग अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट मुद्दे मद्रास हाईकोर्ट ने रखे हैं सामने, तो इसी के चलते मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि आप तिरंगे के कलर का केक बना के उसके ऊपर अशोक चक्र रहा, उस केक को काटा और वो केक को अपने सब में डिस्ट्रीब्यूट किया और खाया, तो भी वो गुनाह नहीं माना जाएगा, ये बात मद्रास हाईकोर्ट ने बोली है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।